ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज की वर्कआउट श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ट्रेनर गीतांशु चावला और चैंपियन एथलीट रविंदर मलिक से जानेंगे कि एक अच्छा चेस्ट वर्कआउट क्या होता है। हो सकता है काफी समय से आप चेस्ट वर्कआउट ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन इस वर्कआउट शेड्यूल से, इस वीडियो से आपको ये जरूर पता चलेगा कि उसको एक एस्थेटिक, ब्यूटीफुल, वेल राउंडेड चेस्ट बनाने के लिए क्या वर्कआउट जरूरी है। सो लेट्स टेक अ लुक। कर रहे हैं इंक्लाइन डंबल फ्लाइज, तो इसकी जो टेक्निकल बात है, उसकी टेक्निकल बात ये है, जो हमारा एंगल रहेगा एल्बोज का, वो हमारे शोल्डर से पैरल से थोड़ा सा नीचे रहेगा टुवर्ड्स द डाउन साइड ऑफ द बॉडी। अगर हम जितना पीछे जाके लेके जाएंगे तो हमारा जो रोटेटर कफ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। इट कैन बी वेरी हार्मफुल उस पर। सो ये करते हुए ऊपर स्क्वीज करते हुए हम एक्सहेल करेंगे। We'll take a second ka pause upar and then negative movement pe focus and again press. Very nice. Main phir se repeat kar raha hu, jo elbows hain wo shoulder se parallel se thoda sa niche ki side towards, niche thoda sa, and then it's fine. Yeah, cool enough. And since it inclined hai, to we have to make sure ki hamara jo dumbbell squeeze hai wo upar ki taraf hoga, मिडिल चेस्ट की तरफ नहीं होगा, लोअर चेस्ट की तरफ नहीं होगा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही टेक्निकल सी बात है। हम कोई भी डंबल प्रेस करें, बीट फ्लैट डंबल प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस और डिक्लाइन डंबल प्रेस, हमें जो अपने फ्रंट डेल्टॉइड्स हैं उनको लूज छोड़ना होता है। अगर हम उनको लॉक करके रखेंगे तो सारा जो वेट है वो फ्रंट डेल्टॉइड उठाएगा और चेस्ट पे उतना नहीं जाएगा। सो हम अपना फ्रंट डेल्टॉइड थोड़ा सा लूज रखेंगे, चेस्ट हम लॉक करेंगे एंड देन हम चेस्ट मूव करेंगे। सिंपल नेक्स्ट एक्सरसाइज है फ्लैट डंबल प्रेस। अगेन जो इसका की है वो है पोस्चर एंड स्टेबिलिटी। एल्बोज पैरेलल से थोड़ा सा नीचे की तरफ रहेगी, ऊपर आके स्क्वीज करेंगे एंड ये हमारा जो मिडिल पार्ट, सेंटर पार्ट ऑफ द चेस्ट है, उस पर हिट करता है सबसे ज़्यादा। नेगेटिव मूवमेंट पे भी हमारा पूरा फोकस रहेगा। नीचे लाते हुए भी हम पावर फील करेंगे एंड ऊपर अगेन एंड स्क्वीज, एक्सहेल, या एंड एक्सहेल। सो ये हमारे पेक्टोरियल्स को मैक्सिमम हिट करता है सेंटर में, मिडिल पार्ट ऑफ द चेस्ट, एंड अगेन स्लो एंड हिट। नाइस। हम करें केबल फ्लाइज एंड अभी हम कर रहे हैं मिडिल पार्ट चेस्ट का हिट, क्रंच, ब्रीद आउट करो नीचे एंड ब्रीद आउट एंड ब्रीद आउट, या बेटर एंड ब्रीद आउट।
सो हम अब कर रहे हैं चेस्ट डिप्स, ठीक है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फॉर द लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट. थोड़ी सी टेक्निकल एक्सरसाइज है, इसमें इंजरी के चांसेस रहते हैं तो वो एक्सप्लेन करना इम्पॉर्टेंट है. बेसिक डिफरेंस, ये डिप्स हम ट्राइसेप्स के लिए भी यूज़ करते हैं. सो अगर हम एल्बोज को टूवर्ड्स द बॉडी करते हैं इट्स मोर ऑफ ट्राइसेप्स, आउटर रखते हैं तो इट्स मोर ऑफ चेस्ट. चेस्ट को थोड़ा सा टूवर्ड्स द फ्लोर लीन करेंगे, नीचे आएंगे एंड स्क्वीज, ऊपर जाएंगे तो एक्सेल. स्टेबिलिटी इज द की, पोस्चर करेक्ट रखना है, बॉडी ज़्यादा झूलनी नहीं चाहिए. नीचे आएंगे एंड ऊपर जाएंगे, एक्सेल स्क्वीज, वेरी नाइस. या सो आप देख रहे हैं जो एल्बोज हैं थोड़ी सी बॉडी से आउटर साइड पे हैं, अंदर होगी तो ट्राइसेप्स पे आ जाएगा. सो ये थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है. अगेन इसमें भी हमें अपने डेल्टॉइड्स लूज छोड़ने हैं वरना वो सारा फोर्स जो है रोटेटर कफ पे जाएगा. जस्ट हैव टू फोकस ऑन द लोअर चेस्ट. नीचे आएंगे स्लो एंड पुश. बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, बहुत अमेजिंग पम्प्स आते हैं. सो ये हमारी फिनिशर एक्सरसाइज है, केबल फ्लाइज. अब इसकी खास बात ये है कि हम इसमें तीनों पार्ट्स हिट करेंगे एंड ये पिरामिड ट्रेनिंग है. सबसे पहले हम लोअर पार्ट हिट करेंगे, नीचे वन स्टार्ट एंड टू ब्रीथ आउट एंड अप थ्री, ठीक है, अगेन लोअर नीचे वन सेंटर टू अपर थ्री, यस गुड, नीचे लोअर वन सेंटर टू अपर थ्री, वेरी गुड, अगेन लोअर वन सेंटर टू अपर. तो इन्हीं एक्सरसाइजेस में आप अपनी थोड़ी वेरिएशन कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं दैट द फर्स्ट एक्सरसाइज हैज़ टू बी बेंच प्रेस, इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट करेक्ट. शॉक थेरेपी का इस्तेमाल कीजिए ताकि सबसे अच्छा इम्पैक्ट आपको मिले. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या इस सीरीज़ में कोई भी वीडियो पसंद आई तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ये सारी वीडियोज़ आपके लिए और आपकी नॉलेज के लिए हैं. होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.